वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें 2x का वैल्यू मिल गया है 2 प्लस 3y। अब फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2x का पूरा वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमें मिलेगा 2 प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 6y is equal to हो जाएगा 6, therefore y का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर y 1 है तो हम x पता लगा सकते हैं, so यहाँ पे हो जाएगा x is equal to 2 plus 3 into 1 हो जाएगा divided by 2 is equal to 5/2। सो x का वैल्यू आ रहा है 5/2 एंड y का वैल्यू है 1। थैंक यू।